नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीबीए में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेस्ट नंबर 7। ये टेस्ट आधारित है बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर एक वीडियो जो था, उस वीडियो को सुनने के बाद उससे क्या एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब पहला सवाल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डिपार्टमेंटल बॉडी या एक सोसाइटी? सही आंसर है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट लाकर बनाई जाती हैं, और जिन बॉडी का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती हैं। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट ऑफ बीसीआई, एडवोकेट एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, पर वो किस वर्ष का एडवोकेट एक्ट था? 1935, 1950, 1961 या 1972? तो इसका सही आंसर है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीआई इनमें से क्या रेगुलेट करता है? पहला कि लीगल प्रैक्टिस और जो लॉ यूनिवर्सिटीज को दिए जाने वाले ग्रांट्स हैं उन्हें। सेकंड, लीगल एजुकेशन, जो लीगल एजुकेशन दी जाती है उन्हें। तो इन दोनों में से बीसीआई क्या रेगुलेट करता है? पहला लीगल प्रैक्टिस और ग्रांट, दूसरा लीगल एजुकेशन, तीसरा इन दोनों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि रेगुलेट करता है लीगल प्रैक्टिस, लीगल एजुकेशन, और जो रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी के लिए रिकॉग्नाइज्ड ग्रांट है वो भी ये बॉडी तय करती है। ग्रांट का मतलब समझते हो ना, जो पैसा मिलता है यूनिवर्सिटीज को। अगला सवाल, इट्स मेंबर आर क्वेश्चन मार्क या डैश 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 फ्रॉम एमंग द लॉयर्स, जो बीसीआई में मेंबर होते हैं वो वकीलों में से ही नॉमिनेट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं। चारों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। नॉमिनेट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने सदस्यों को, जो भी वकील हैं उनमें से इलेक्शन के थ्रू चुनती है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड, इलेक्शन। अगला सवाल, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ अ बार काउंसिल फॉर ईच स्टेट एंड एन ऑल इंडिया बार काउंसिल एज एन एपेक्स बॉडी। ये किसका प्रपोजल था कि भारत में हर राज्य में एक बार काउंसिल होना चाहिए और पूरे भारत का एक ऑल इंडिया बार काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। सवाल क्लियर है। तो ये किसका प्रपोजल था, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, ऑल इंडिया बार कमेटी का या ऑल इंडिया एडवोकेट कमेटी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल इंडिया बार कमेटी। मार्च 1953 में ऑल इंडिया बार कमेटी के जो हेड थे उस समय एस आर दास, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने कहा कि भारत में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए और हर एक स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें बार काउंसिल ऑफ स्टेट होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये सजेशन भी दिए कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कुत्सी है और लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, इसे भी मेंटेन करेगा। साथ ही साथ अगर जुडिशियरी में किसी रिफॉर्म की जरूरत है तो उन रिफॉर्म्स की भी स्टडी ये काउंसिल करेगी। तो जो बीसीआई बना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? ऑल इंडिया बार कमेटी के द्वारा, और उस समय इसके हेड थे ऑनरेबल एस आर दास। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एमसी सीतलवाट, सी के धपतारी या मोहम्मद हिदायतुल्ला? तो इन चारों में से सही आंसर है कि 1953 में जो रिकमेंडेशन दी गई थी, 1968 में एक एडवोकेट एक्ट लाया गया और इसमें
बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये रिकमेंडेशन मेड बाय ऑल इंडिया बार कमेटी 1953 में, रिकमेंडेशन किसने दी थी? ऑल इंडिया बार कमेटी और लॉ कमीशन ने, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया लाया जाता है। उसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे ऑनरेबल एमसी सीतलवाद साहब, और उस समय जो वाइस चेयरमैन थे, 1961 की बात कर रहा हूं, तो उस समय जो वाइस चेयरमैन थे वो थे सीके धबतारी। अब जो उस समय पहले वाइस चेयरमैन थे वही 1963 में चलकर चेयरमैन बन जाते हैं, और वाइस चेयरमैन 1963 में थे एसके घोष। आपके लिए पहले चेयरमैन माननीय श्री एमसी सीतलवाद साहब और पहले वाइस चेयरमैन माननीय श्री सीके धबतारी जी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो 1961 में। अगला सवाल, फंक्शन ऑफ बार काउंसिल इज गिवेन अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। बार काउंसिल के क्या फंक्शन होंगे? ये 1961 के एडवोकेट एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है? एक एक्ट के अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो फंक्शन है, क्या इसके फंक्शन होंगे, ये किस सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 7? दोस्तों सही आंसर है सेक्शन 7। इनमें कुछ और भी फंक्शन दिए गए हैं, हम उन पर भी एक नजर मार लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का साथ ही साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन होगा कि ये लॉ रिफॉर्म को प्रपोज करे, ये डील करे ऐसे मैटर्स के साथ जो कि स्टेट बार काउंसिल के हैं। स्टेट बार काउंसिल में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस मैटर को निपटाए, साथ ही साथ ये लीगल एजुकेशन को प्रमोट करे, और लीगल एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिफाइन करेगा। ये डिटरमाइन यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ शेल बी क्वालिफिकेशन फॉर द एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। ऐसी यूनिवर्सिटीज को डिटरमाइन करे जहां की डिग्री एडवोकेट बनने के लिए, एज एन एडवोकेट एनरोल होने के लिए उस क्वालिटी की है। साथ ही साथ फॉरेन रिकॉग्नाइज फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेन्ड आउटसाइड इंडिया फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट। जो फॉरेन से अगर डिग्री लेकर आ रहे हैं लॉ की, वो इंडिया में किन मापदंडों के आधार पर एडवोकेट बन सकते हैं? मैनेज करता है इन्वेस्ट और फंड, साथ ही साथ इलेक्शन करवाता है मेंबर्स के, और ऑर्गेनाइज करता है एंड प्रोवाइड लीगल एड फॉर पुअर एंड शेड्यूल कास्ट। अगर किसी शेड्यूल कास्ट को प्रॉपर लीगल एड नहीं मिल पा रहा है गरीबी की वजह से, या किसी गरीब को गरीबी की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा। अगला सवाल, हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहां पर तीन पद दिए गए हैं, इनमें से कौन से पद हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे? आई होप आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर क्लियर हो गया होगा। तो कौन से इनमें से कौन से पद में रहने वाले व्यक्ति एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के? पहला एडवोकेट जनरल, दूसरा अटॉर्नी जनरल, तीसरा सॉलिसिटर जनरल। आपके ऑप्शन है पहला और दूसरा एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, दूसरा और तीसरा अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, पहला और तीसरा एडवोकेट जनरल और सॉरी सॉलिसिटर जनरल, या फिर ये तीनों। तो इसका सही आंसर है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल एक्स ऑफिशियो मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नहीं होते। अगला सवाल, द मेंबर फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। स्टेट बार काउंसिल से जो मेंबर इलेक्ट होकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाते हैं वो कितने समय के लिए जाते हैं? एक वर्ष, दो वर्ष, पांच वर्ष या नौ वर्ष? द मेंबर फ्रॉम स्टेट बार काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, इसका सही आंसर है पांच साल। तो जो भी स्टेट बार काउंसिल से मेंबर इलेक्ट होकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाते हैं तो वो पांच साल के लिए जाते हैं। अगला सवाल, द काउंसिल इलेक्ट इट्स ओन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ। जो काउंसिल है वो अपने में से ही इलेक्ट करती है एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को। तो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल का होता है? एक साल, दो साल, पांच साल या नौ साल? तो इसका सही आंसर है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो दो साल के लिए है। अगर कोई चेयरमैन इलेक्ट होता है या वाइस चेयरमैन, तो वो अपने पद पर दो साल तक रहते हैं। साथ ही साथ ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन अलग अलग काउंसिल और कमिटीज की रिकमेंडेशन या उनकी एडवाइस पर करते हैं।
हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन इनमें से कौन है? के वेणुगोपाल, मनन कुमार मिश्रा, सतीश देशमुख या पुरुषेंद्र कौरव? तो सही आंसर है दोस्तों मनन कुमार मिश्रा। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इन्हें भी दिमाग में रखिए, इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, जो बीसीआई के चेयरमैन है वो मनन कुमार मिश्रा हैं, वाइस चेयरमैन एस ए देशमुख हैं, भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और एमपी के एडवोकेट जनरल हैं श्री पुरुषेंद्र कौरव। तो याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला सवाल, प्रैक्टिस लॉ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यदि किसी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो एडवोकेट मस्ट फर्स्ट अपियर एंड क्वालिफाई द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अगर किसी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन को पास करना होता है। ये एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? बीसीआई, एससी, बीसीआई का मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, या लॉ एजुकेशन बोर्ड इसे कंडक्ट करवाता है, या एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि इसकी देखरेख करती है। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी यहाँ ये पूरा एनरोलमेंट प्रोसीजर है, इस पूरे एनरोलमेंट प्रोसीजर में एक बार सरसरी निगाह मार लीजिए। सबसे पहला कि एडवोकेट एक्ट 1961 में इट इज द एम्पावर दैट स्टेट बार काउंसिल टू फ्रेम देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट। 1961 में ये बात कही गई है कि जो स्टेट बार काउंसिल हैं वो खुद में सक्षम है कि वो नियम बना सके, और वो नियम किस चीज के लिए होंगे कि अगर कोई एडवोकेट है वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखनी पड़ेगी। तो ये किसका डिसीजन होता है? स्टेट बार काउंसिल का। जैसे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जबलपुर में है तो हाईकोर्ट की एक बार काउंसिल होगी, वो खुद से ये सारे नियम फ्रेम कर सकती है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या बाकी एक्सटर्नल अथॉरिटीज का कोई इंटरफेयर नहीं होता। साथ ही साथ कि पासिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, और इसके द्वारा ये वाला पॉइंट, पासिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अवॉर्ड द स्टेट एनरोल्ड एडवोकेट विद अ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट। जो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है वो मिलने के बाद आप हाई कोर्ट या उससे नीचे वाली कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में हमें प्रैक्टिस करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम होता है, जो कि जिस पर ये क्वेश्चन था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिजोल्व टू कंडक्ट एन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिंस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि जिसे भी एडवोकेसी करनी है उन्हें एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। ये प्रावधान बार इंडिया काउंसिल ने बीसीआई ने किस वर्ष से लागू किया? 2005 से, 2010 से, 2015 से या 2017 से? इसको सीधे एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही आंसर है कि 10 अप्रैल 2010। तो 2010 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये क्लियर किया कि जिसे भी एडवोकेसी करनी है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, जिससे एक क्वालिफिकेशन एडहायर कर सके और लीगल सिस्टम में एक क्वालिटी आ सके। जो सिलेबस है इस एग्जामिनेशन का वो एग्जाम के 3 महीने पहले क्लियर किया जाता है, और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। तो दोस्तों ये था हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर, यहाँ कुछ एक इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक करने से ऐसा विंडो खुलेगा, उसमें एमपीपीएससी प्री एंड मेंस 2019 में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज दी गई है, तो वहां से आप इसके वीडियो सुन सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और तीसरी बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये तीनों लिंक मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और
ये जो आपने अभी टेस्ट किया इसका पीडीएफ डाउनलोड लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।